गुड मॉर्निंग गाइस, सब आप कैसे हो? अभी मैंने रोटी बना ली, सब्जी बना ली, दोनों बच्चे सोए हुए हैं। आज बच्चे की छुट्टी है तो मैंने सोचा पहले उठ के काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, खाना मैंने बना लिया है, बर्तन साफ करूँगी और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं मेरे लिए चाय बना रही हूँ, बच्चे उठेंगे बच्चों के लिए बना दूंगी। और बजने वाले हैं, अभी कितना वेट करूँ मैं इनका उठने का। तो मेरे तो मन में आई है चाय पीने की, तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ और फिर चाय पियेंगे। मैंने सब्जी बना ली है और ये चावल बना लिए हैं और रोटी भी बना ली है। तो राजमा की सब्जी बनाई है, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है। अभी बर्तन साफ कर रही हूँ, खाना पीना हो गया है, चाय बना ली हूँ, अभी बर्तन साफ करेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, काम बहुत हो जाते हैं सुबह सुबह लेडीज को। क्या क्या काम करके जाए। बर्तन साफ हो गए हैं, पूरे के पूरे साफ कर दिए हैं, अब इनको जचा दूंगी, फिर किचन साफ करूंगी, फिर आज आंगन धोते, देखते हैं टाइम मिलता है तो चौक धोऊंगी। हाय गाइस, मैं नहा के एकदम से तैयार हो गई हूँ और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, आंगन भी धो लिया है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ अगरबत्ती, और कल करवा चौथ है, उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। और मेरे को है ना मेहंदी मंडा के आनी है, तो और उस दिन मेरे भी लोज आए नहीं थे, उसने है ना पता नहीं सिले गम गए थे। कल उसका फ़ोन आ गया कि आपके ब्लाउज मिल गए हैं, तो आज वो ब्लाउज भी लेके आएंगे मार्केट से और मेहंदी भी मंडा के आएंगे। और अभी चलते हैं अगरबत्ती करने और जल्दी से, उसके बाद मेरी हो गई है ऑफिस की टाइम, फिर चलेंगे ऑफिस। खाना पीना मैंने बना लिया है, टिफिन में डाल लिया है, तो अभी अपन पहले अगरबत्ती कर देते हैं उसके बाद चलेंगे ऑफिस। तो ये गाइस हमने कर दी है मंदिर में पूजा, तो अभी चलते हैं ऑफिस। ऑफिस में हो रहा है मेरे को लेट, तो अभी चलते हैं। अभी तैयारी करती हूँ ऑफिस की, वैसे तो तैयारी कर ली है, बोतल वगैरह डालनी है मेरे को, फिर चलते हैं ऑफिस में। हाय गाइस, कैसे हो आप? आज हम लोग साथ में हैं, लास्ट दिन है हमारा ड्यूटी का, अब पता नहीं कब मिले, महीने दो महीने देखते हैं कब आती है ड्यूटी। ड्यूटी आएगी जब भी मिलेंगे अब, बाय। ये देखिए अब आते हैं, इनको पूछो अभी होती है क्या ऑफिस की टाइम, इनको छोड़ के जाते हैं और क्या करें, इतना लेट कैसे तैयार होके आते हैं वापस, वाइफ को छोड़ना जरूरी होता है इसीलिए। इतना लेट आते हैं, कोई 11 बज रही है अभी आए हैं, और अभी आए हैं और आते हैं फिर बैंक चल दिए। तो गाइस ऑफिस के अंदर अभी चाय आई है, हमने चाय पीने का आनंद ले रहे हैं, जो कैसे की चाय बहुत ही अच्छी बनती है कोर्ट के अंदर, और हमारे ऑफिस के अंदर पहली चाय आई है अभी, और हम इसका पीने का आनंद ले रहे हैं, और बहुत ही चाय का आनंद बहुत ही अच्छा लगता है पीने से, ऑफिस में एनर्जी होती है चाय पीने से, काम करने का वर्क लोड भी अच्छा होता है और माइंड भी सही होता है। अभी हमने चाय पी है, जो ऑफिस में चाय आती है ना उसका मजा ही कुछ और होता है। सुबह तो भागा दौड़ में ही चाय पीते हैं घर पे,
उसके बाद यहाँ आराम से बैठ के जो चाय आती है मज़ा आ जाता है सबके साथ। जेंट्स वगैरह उधर उस रूम में बैठे हैं, मैं लेडीज हूँ जो यहाँ पे बैठी हूँ, आधे में अपना काम नहीं है, साइड में बैठ जाते हैं, यहीं बैठी रहती हूँ, यहीं पे चाय पी लेते हैं। तो लंच होता है तो लंच सारे एक साथ ही कर देते हैं। डेढ़ बज गया है और अभी हमें खा रहे हैं खाना, खाने में लाई हूँ खीरा सलाद और ये राजमे की सब्जी और रोटी, और अभी हम खाना खा रहे हैं साथ में। ये हमारे बाबू लंच कर रहे हैं, बाबू नहीं है, ये हमारे ऑफिस की शान है। हाँ ओएसी है, मान लिया तो ओएसी है, डिप्टी अधिकारी है। हाँ भाई दोनों हाथों से खाना खाते हैं, देखो दोनों। ये गाइस देखो हम यहाँ इनके पास मेहंदी मंडाने के लिए आए हैं, ये हमारे रूखे सूखे हाथ हैं जो मस्त वाली मेहंदी मांड के सुंदर वाले हाथ कर देंगे। हाय गाइस देखो ये ट्रेन में कितनी प्यारी सी मेहंदी मांड रही है और मेरा काम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो गाइस ऑफिस से भी आए हैं 6 बजे के बाद, अब वो कोई ऑफिस के हमारे कर्मचारी है उनके ससुर जी रिटायरमेंट हो गए हैं, तो हमें स्पेशली हमें इनवाइट किया है, तो हमें जाना अति आवश्यक है क्योंकि कोई मान करके बुला जाता है तो उसको जाने जरूरी होता है। चलें ठीक अच्छा। आ चुके हैं प्रजापत जी के यहाँ सुमनित पर, और ये भी है अभी तक वो आए नहीं है तो हमें उनको माला भी चढ़ाने जाएंगे, उसमें वैसे ही जाते हैं। प्रोग्राम काफी अच्छा है ये। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और करते हैं फिर आगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइस, लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।